हमने ये ज्ञान इसलिए खोला है मेडिटेशन सेंटर, क्योंकि आज के जमाने में स्ट्रेस रहते हैं और किसी भी काम को करते हैं बट प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। प्रेजेंट में रहने से मतलब उनका माइंड कहीं और चला जाता है, करते तो काम सारा कुछ प्रेजेंट में रहता ही है लेकिन उनका माइंड कहीं और चला जाता है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कोई और बात करते रहते हैं। हेलो, हाय, मैं हूँ सुनैना शर्मा, मेडिटेशन सेंटर ध्यान की डायरेक्टर। मेडिटेशन सेंटर मैंने इसलिए खोला है क्योंकि आज सभी लोग का नहीं उचित रहेगा, क्योंकि सभी लोग का ही ध्यान नहीं लग पाता है। एक काम करते हैं उस काम में भी ध्यान नहीं लग पाता है, अच्छे से वो काम कर नहीं पाते हैं, और करते भी है तो फिर वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया था, ये चीज कहाँ रखा, वो चीज कहाँ रखा, ये मैंने कब लिखा, ये कब मैंने याद किया। बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो ये याद नहीं किया था या याद किया था तो भूल गया मैं, एग्जाम में वो अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आते हैं, एग्जाम में आंसर ही नहीं लिख पाते सही से, तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा ही नहीं। तो इस मकसद से हमने मेडिटेशन सेंटर ध्यान ओपन किया है ताकि बच्चों का मेडिटेशन कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो सके मेडिटेशन से, और बड़े लोग के लिए मेडिटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, चिड़चिड़े हुए रहते हैं, गुस्सा करते हैं बच्चे लोग पे, अपने रूटीन लाइफ में वो स्ट्रेस रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग को भी चिड़चिड़ेपन से बिहेव करते हैं। उनके बिहेवियर में शांति का लाना भी हमारा मकसद है, शांति से पीसफुल रहकर सारे काम को करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लोग भी खुश रहेंगे। हमारा मकसद जीवन का यही है, खुश रहना और खुश रखना। जब हम खुश नहीं रहेंगे तो कोई भी काम में मन नहीं लगेगा और उसका पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलेगा, निगेटिव वाइब मिलेंगे, निगेटिविटी से हमारे सराउंडिंग पर निगेटिव ही असर पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिव वाइब्स मिलने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी होता है। तो मेडिटेशन सेंटर में ये मैंने ओपन किया है, कल ही इसकी ओपनिंग हुई है। ये हमारा ऑफिस है, मेडिटेशन का ऑफिस है, ये देखिए। हमें यहाँ पर बुद्ध भगवान की पोस्टर को लगाया है क्योंकि बुद्ध भगवान हमारे लिए ज्ञान का एक प्रतीक है। उन्होंने असीम ज्ञान की प्राप्ति की अपने ध्यान के माध्यम से। तो मेडिटेशन सेंटर ध्यान में जो सबके घर में होता होगा, लेकिन व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस गेम, इस गेम में क्या करना है, हमें एक मार्बल बचाना होता है। किस तरीके से बच्चे इसमें पूरे ध्यान के साथ इसको करते हैं और लास्ट में एक मार्बल बचाना होता है। ये सिर्फ मार्बल को इधर से उधर करने का गेम नहीं है, इसमें माइंड को यूज करना है, ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना है। ये हमारा ब्रेन का गेम है। यहाँ पे मैं साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट, ये गेम है जहाँ पे मैं साइंस बेस्ड एक्टिविटीज करवाऊंगी और बच्चों को साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी प्रैक्टिकली। ये पजल गेम है, पजल गेम भी सभी लोग के घर में होते हैं। ये अलग अलग पीसेज हैं जिसको ऐड करना होता है फिगर को याद करके, मेमोराइज करके कि कौन सा फिगर कहाँ पे ऐड होगा। अगर ये बाल गणेशा का फिगर बना हुआ है तो बाल गणेशा का हम लोग देंगे उसको, अगर 5 मिनट देते हैं 5 मिनट में उसको मेमोराइज करके सारी चीज को सेट करना होता है जिस तरीके से है, तो इससे मेमोरी इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने चेस एंड लूडो भी गेम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने अकेडमी, अपने सेंटर में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को खेल खिलाना नहीं है, उनके ब्रेन को डेवलप करना है। आप जैसा कि चेस जानते हैं, चेस में
बच्चे बहुत देर तक शांति से बैठे रहते हैं और शांत मन से गेम खेलते हैं चुप रहकर, तो उन्हें चुप रहने की भी आदत होती है। हम जितना ज्यादा साइलेंट रहेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड वर्क करेगा, ब्रेन वर्क करेगा, और ब्रेन वर्क करेगा चेस, जब तक ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा चेस में आप जीत नहीं सकते हैं। तो हम अपने चारों तरफ कैसे ध्यान रखकर आगे बढ़े, सक्सेस हो, यही हमारा मोटो है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक कोटेशन डाला है, हम सब बुद्धिमान हैं, परंतु अगर आप एक मछली से पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेंगे तो वो हमेशा अपने को शक्ति ही नहीं समझते रहेगी, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बुद्धिमान तो हम सभी लोग हैं और सब लोग में अपने अपने स्किल से अपने अपने टैलेंट है, लेकिन एक मछली पानी में ही रह सकती है। अगर उसको पानी में रहने के लिए बोला जाए, पानी के जितने भी एक्टिविटीज करने के लिए बोल दिया जाए, वो बहुत ही अच्छे से कर पाएगी। लेकिन अगर उसे पेड़ पे चढ़ने के लिए कहा जाए तो बेचारी चढ़ते चढ़ते तो मर ही जाएगी। तो हमें ऐसे बच्चों को जिसमें जो टैलेंट है, जिस सराउंडिंग में वो रह सकता है, जिस हॉबीज के लिए वो जन्म लिया है, जो उसमें जनजात है, उस जनजात प्रतिभा को बढ़ाना और मोटिवेट करके उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। तो इम्प्रूव कैसे करेंगे कंसंट्रेशन से? मेडिटेशन इज अ पावर, मेडिटेशन से कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो हमारे सेंटर का यही लक्ष्य है कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान से लगे चीजों करें, एक्टिविटी करें और अपने हॉबीज को बढ़ाएं, हॉबीज में मन लगाएं, और अगर हो सकता है तो हम अपने हॉबीज को ही कैरियर बना सके और अच्छे से आगे बढ़ सके। जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसको साइंस कॉमर्स पढ़ाते हैं लेकिन उसका मन ही नहीं लगता है और वो डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन में नहीं ले जाना हमारा मकसद है। तो हॉबीज उसकी जो होती है उसमें उसका मन लगता है। आजकल फोटोग्राफी हो गया, आर्ट हो गया, आर्किटेक्टिंग हो गया, तो ये सारी चीज लोग करने में मन लगाते, फैशन शो हो गया, ये सब चीज करने में उनका मन लगता है। म्यूजिक, सिंगिंग, स्विमिंग, कराटे, डांस, ये सारी चीज में उनका मन लगता है। और आज हमारे इंडिया इतना डेवलप कर गया है कि इन सारी चीजों में कैरियर्स है और अच्छे 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 अर्निंग्स है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जो डांस करते हैं बच्चे, सिंगिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वो सिर्फ किसी तरीके से नहीं है, वो उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है, ये हमारा सेंटर है, और प्लीज हमें मैसेज दीजिए कि जो हमारा सेंटर अच्छे से रन करे, और ऑब्वियसली अच्छे से रन करेगा बिकॉज होप है तो विश्वास है, विश्वास है तो उम्मीद है। ओके, और उम्मीदें कभी नाकाम नहीं होती है, उम्मीद की दुनिया कायम है। थैंक यू, धन्यवाद। मेडिटेशन सेंटर ध्यान में आपका स्वागत है।